नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में आपका फेवरेट टॉपिक लेकर के, जो कि है माइंड प्रोग्रामिंग से लेकर के आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे उसको इस तरह से ढाल सकते हैं कि आप अपनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकें और आपको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों के पास ना जाना पड़े, किसी साइंटिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साधु बाबा या किसी और जगह के चक्कर ना काटना पड़े और आपको खुद में अपनी सारी समस्याओं का हल मिल सके। कहते हैं ना कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइज विद इन यू, जो कुछ भी है सब आपके अंदर है। इनफैक्ट ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके खुद के अंदर है, तो आपको किसी भी दिक्कत का हल ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भीतर झांकने की जरूरत है और आपको हर प्रॉब्लम का हल मिल जाता है। तो दोस्तों, आज इसी तरह की एक टेक्निक से हम डील करने जा रहे हैं, जो कि है ड्रीम प्रोग्रामिंग को लेकर के। जिस तरह से कि आप जानते हैं, सपने तो सबको आते हैं, लेकिन इन सपनों को हम किस तरह से प्रोग्राम कर सके कि हम उससे अपनी हर प्रॉब्लम का हल निकाल पाएं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का हल निकाल पाएं, किस तरह से इन ड्रीम्स को प्रोग्राम किया जाए, आज हम बात उसकी करने वाले हैं, द सिल्वा टेक्निक की। तो दोस्तों, जब ये इजाद हुई थी ये टेक्निक, तो एक काफी जानी मानी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर डी बैरेट, और उन्होंने ये पहला एक्सपेरिमेंट के कुछ ग्रुप ऑफ नर्सेज के साथ किया था, जिन्हें कि वो बोलती थी कि मतलब कुछ ऐसे उन्हें सवाल दिए गए उन नर्सेज को जिनका हल उन्हें मालूम नहीं था, बताया नहीं गया था स्पेसिफिकली क्लास में, ट्रेनिंग के दौरान बताया नहीं गया था, लेकिन हाँ, निकलते बढ़ते गुजरते हुए कभी ना कभी वो उस सिचुएशन से गुजरी जरूर थी। तो जब उनसे स्पेसिफिकली उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए जो कभी उन्हें स्पेशली नहीं सिखाए गए थे, तो ज्यादातर नर्सेस के पास जवाब नहीं था। फिर डॉक्टर डी बैरेट ने उन्हें बताया कि आप सोने से पहले इन सवालों को अपने दिमाग में रखिए और इसका हल सोचते हुए सो जाइए। तो जब इसका परिणाम आया, तो देखा गया कि करीब करीब 70% से भी ज्यादा नर्सेस को उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सपने आए थे, ड्रीम्स आए थे, और उसमें से मैक्सिमम को उसका हल भी उन सपनों में ही मिल गया था। तो दोस्तों, बेसिकली ये होता यूं है कि कुछ चीजें जब हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती हैं, तो एक बार में मिलियंस ऑफ थॉट्स हमारे कॉन्शियस माइंड में जा रहे होते हैं, कुछ वहां से होके गुजर जाते हैं और कुछ हम कॉन्शियसली ध्यान दे पाते हैं, सोच पाते हैं उनके बारे में। तो जिन पे हम कॉन्शियसली ध्यान देते हैं वो तो हमें ध्यान रह जाते हैं, याद रह जाते हैं, और जो यूं ही आके गुजर जाते हैं मिलियंस ऑफ थॉट्स, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। तो उन्हीं थॉट्स को अगर हम एक्यूमुलेट करें और उस पर ध्यान दें, तो हो सकता है हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का हल हमें वहीं से मिल जाए। तो दोस्तों, बेसिकली अगर हम अपने दिमाग की बात करें, तो ये चार तरह की सिचुएशंस में रहता है। पहला है बीटा, यानी कि जब हम जगे हुए होते हैं, जब हम वेकअप स्टेट में होते हैं, जब हमारा माइंड की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत एक्टिव होती है, बहुत फास्ट होती है। सेकेंड है अल्फा, जब हम डीप थॉट्स में होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मेडिटेशन में होते हैं, या हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो इस तरह की जब हम स्टेट में होते हैं, मतलब सेमी स्लीपी टाइप की स्टेट में, तो वो हमारे माइंड की अल्फा स्टेट होती है। नंबर थ्री है दोस्तों थीटा स्टेट, जब हम सोए हुए होते हैं, जब हम नींद में होते हैं, तब हमारा जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है काफी स्लो मोशन में होती है और धीरे चल रही होती है जब हमें सपने आते हैं। और लास्ट है डेल्टा स्टेट, जब हम बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश होते हैं, जब हमारा दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता है। तो ये चार स्टेट्स हैं दोस्तों, और ये जो थीटा स्टेट है, यानी कि हमारी सोने की प्रक्रिया जो होती है, जिस वक्त हम सपने देखते हैं, इसको हमें प्रोग्राम करना है। तो दोस्तों, इसको प्रोग्राम करने के लिए हमें करना क्या है कि पहले 15 दिन आपको एक छोटा सा काम करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। स्टेप नंबर 1, कि जब भी आप सोने लगें, तो अपने
बेड के बगल में, अपने तकिए के बगल में एक पेन और एक नोट पैड रख के सोएं, और कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसका हल जानना चाहते हैं या जिसके बारे में सोचना चाहते हैं, उसको सोचते हुए सोएं। और जैसे ही आप सुबह उठे, तो हमें ज्यादातर जब हम सपने देखते हैं तो सो के उठते ही हमें सपने याद रहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम अपने उन सपनों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बीटा स्टेट यानी कि कॉन्शियस माइंड में वापस आ चुके होते हैं, तो अपनी उस सोई हुई प्रक्रिया और सपनों को हम भूल चुके होते हैं। तो हमें करना यह है कि उठते ही हमें जितना भी याद है, थोड़ा, दो लाइन या कुछ भी, जो भी याद है, हमें उसे लिख लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम ये प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो 10-15 दिन के अंदर हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि रात में कई बार हमें 2 से 3 सपने भी आते हैं। और ऐसे में अक्सर यही होता है नॉर्मल इंसानों के साथ कि हमें आखिरी वाला सपना, जो सुबह का सपना बोलते हैं, कि जो आखिरी सपना आता है, हमें वो थोड़ा बहुत याद रहता है और वो भी थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं। तो 15 दिन बाद जब आप रेगुलर ये एक्सरसाइज करेंगे कि उठते ही आपको जो भी याद है वो लिखेंगे, तो आप दोनों तीनों सपनों को लिख पाएंगे और जान पाएंगे। स्टेप नंबर 2 जो आपको करना है, फिर 15 दिन के बाद जब आपको थोड़ी हैबिट पड़ जाए अपने सपनों को याद रखने की, तो आपको जो भी आपकी दिक्कत है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उसको लेकर के एक एफर्मेशन करनी है सोते वक्त कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे पता है, इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का हल मुझे मालूम है, मेरे अंदर है, ये समस्या हल हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप की वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, वो समस्या हल हो चुकी है, इस तरह की कुछ विजुअलाइजेशन करते हुए आप सो जाएंगे। और दोस्तों, अगले दिन आपको सुबह जो भी सपना आता है वो पूरा एक एक स्टेप लिखेंगे। तो दोस्तों, हो सकता है सेम डे, एक दिन में या 2 दिन में आपको उसका हल ना मिले, लेकिन 2-4 दिन जब आप लगातार उस समस्या के बारे में, उसके हल के बारे में एफर्मेशन करते हुए सोएंगे, तो आपको उन सपनों की जो आपने लिस्ट बनाई होगी 3-4 दिन में, उसी में आपको उस समस्या का हल भी मिल चुका होगा। दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ही कारगर साबित होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कुछ नया स्टार्टअप वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो कवि या पोएट्स या राइटर्स अपनी स्टोरी बुक्स या फिर अपनी बुक लिखना चाहते हैं, अपनी कविताएं लिखना चाहते हैं, या फिर जो म्यूजिशियंस अपना म्यूजिक क्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत से क्रिएटिव आइडियाज इन सपनों में ही आते हैं। तो ये बहुत ही कारगर टेक्निक है, सिल्वा टेक्निक, जिसके थ्रू आप अपनी ड्रीम्स को प्रोग्राम करके काफी सारी चीजों के नए नए क्रिएटिव आइडियाज निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम्स के हल निकाल सकते हैं, और बहुत कुछ बिजनेस से रिलेटेड भी अपने प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, नए वेंचर्स के आइडियाज निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये ड्रीम प्रोग्रामिंग की जो ट्रिक है, जरूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ है।